दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार सीएम का गोरखपुर आगमन। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर चल रही बैठक खत्म, बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, हमें चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हमीरपुर में धरने पर बैठे सेवा समिति के लोग, एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी को लिखा, खून से लिखा पत्र। प्रयागराज में परिवर्तन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पार्टी के स्थापना दिवस पर शामिल होंगे अखिलेश यादव। महोबा में 3 क्रशर फर्मों से 4 करोड़ की धोखाधड़ी का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी मैनेजर ने क्रशर संचालक से की धोखाधड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में, मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुख करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम। एयरपोर्ट से गोरखनाथ मंदिर तक हुआ सीएम का स्वागत, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार सीएम का गोरखपुर आगमन। गोरखनाथ मंदिर में भी किया गया सीएम योगी का स्वागत, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे सीएम। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, एयरपोर्ट से गोरखनाथ मंदिर तक हुआ सीएम का स्वागत। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार सीएम का गोरखपुर आगमन, गोरखनाथ मंदिर में भी किया गया सीएम योगी का भव्य स्वागत। लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर चल रही बैठक अब खत्म हो गई है। वहीं बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है, जहां भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी संगठन की 2 बड़ी बैठकें हुई हैं। बैठक में तय हुआ है कि गांव चलो अभियान 4 फरवरी से 11 फरवरी तक चलेगा, जिसको लेकर सभी शहरों में बूथ के हिसाब से गाँव में 24 घंटे का प्रवास तय हुआ है। साथ ही बैठक में चुनाव तक गतिविधि नियुक्ति की रूपरेखा तय कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमें चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, अब किसको कितनी सीटें देना ये तो उन दलों का काम है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी 80 सीटों पर लड़ रहे हैं एनडीए में, और वह उत्तर प्रदेश में हम सब लोग 80 की 80 जीतेंगे। लेकिन फिर भी ये अंततः चुनाव आते आते ये कितने फाड़ों में यह इनका ये अलायंस होगा, डिवाइड होगा, अभी तो ये देखना बचा है। यूपी के हमीरपुर जिले में धरने पर बैठे समिति के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से लिखकर पत्र भेजा है। धरने पर बैठे समिति के लोगों ने हमीरपुर महाविद्यालय को जल्द से जल्द राजकीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग की है। बता दें कि हमीरपुर के राठ कस्बे में 146 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन पर बैठे स्वामी राजकीय विश्वविद्यालय सेवा समिति के लोगों ने एसडीएम के माध्यम से खून से लिखकर पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है। सर्वप्रथम समस्त क्षेत्र की जनता को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। 3 सितंबर से लगातार हम अनिश्चितकालीन धरना चला रहे हैं, इस उद्देश्य से कि राठ में स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से राजकीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए, क्योंकि 16 फरवरी 2022 को स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने इसी प्रांगण से घोषणा की थी कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो राजकीय विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो हम समस्त क्षेत्रवासी योगी जी को पुनः याद दिला रहे हैं कि वो अपने वादे को पूरा करें। प्रयागराज में 18 फरवरी को परिवर्तन समाज पार्टी के स्थापना दिवस पर सपा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे, जिसकी जानकारी परिवर्तन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। प्रेस वार्ता के दौरान परिवर्तन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने लोकतंत्र पर खतरा बताया और कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए मिलकर चुनाव लड़ने का सही समय है। वहीं व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व परिवर्तन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपने तैयारी में जुट गई हैं। अगर वहीं बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो जो कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे महत्वपूर्ण सीट है, लेकिन वहीं प्रयागराज जनपद में आपका भदोही लोकसभा, फूलपुर लोकसभा विशेषकर चर्चा में रहता है। लेकिन बात किया जाए तो आज हमारे साथ में परिवर्तन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी हैं और व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष कमलेश कुमार गुप्ता जी हैं। मैं आपसे रूबरू कराऊंगा परिवर्तन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी। बहुत बहुत सर आपका स्वागत है आज की खबर में। जैसा कि अभी हाल में ही
आपके नेतृत्व में प्रयागराज 5 लोग गए थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात हुआ, वार्तालाप हुआ, और क्या बात हुआ और किन मुद्दों पर बात हुआ? हमारा बात यह है कि परिवर्तन समाज पार्टी अपने ये पिछड़े दलित लोगों को इसमें आगे लाने के लिए समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात किया, इसलिए कि समाजवादी पार्टी में ये देखा गया है कि ज़्यादातर कि जिसको PDA कहा जाता है, पिछड़े दलित लोगों के लिए बहुत ही अधिक सम्मान है, और हमारी भी पार्टी का वही मतलब कि मुद्दा है, हमारी भी पार्टी का भी वही उद्देश्य है कि पिछड़े दलितों को सम्मान मिलना चाहिए। पिछड़े दलितों की आप बात करते हैं, पिछड़े दलितों की बात, अल्पसंख्यकों की बात भारतीय जनता पार्टी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, बसपा भी करती है, आखिरकार क्या लोकतंत्र खतरे में है कि PDA खतरे में है जो गठबंधन अब करना पड़ा? पिछड़े दलितों की बात भले करते हैं, लेकिन पिछड़े दलित आखिर में भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कहने से होगी, लेकिन हमारे हिसाब से पिछड़े दलित तो बहुत परेशान है भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में। आखिर पिछड़े दलितों को आप जा करके जन जन तक का पता लगाइए, आप देखिए कि पिछड़े दलित कितने परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। यदि ऐसे होते तो हमें इसकी जरूरत ही न पड़ती, फिर हमारे साथ वो आते ही ना। और वही मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे साथ में आज व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष कमलेश गुप्ता जी हैं। परिवर्तन समाज पार्टी के नेताओं की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचाया थे ऐसा मुझे जानकारी मिला था, तो मैं उनसे बात करूँगा कमलेश कुमार गुप्ता जी से कि आखिरकार क्या ऐसा बात हुआ जो परिवर्तन समाज पार्टी को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि हम आपके कार्यक्रम में आएंगे। दल छोटा है लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी कहना है कि दिल बहुत बड़ा है परिवर्तन का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और गठबंधन कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उस रवैये से गठबंधन बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को अपनी हिस्सेदारी मिले, और जिसे परिवर्तन समाज पार्टी आपने कहा, परिवर्तन समाज पार्टी भी PSP है और समाजवादी पार्टी भी SP है, तो दोनों लोग का जो पार्टी है बहुत बड़ा दिल है। लेकिन आज जो स्थिति है प्रदेश में, आप देखिए कि व्यापारी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। इसलिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने इंस्पेक्टर राज खत्म किया, व्यापारियों मंडी टैक्स खत्म किया, लेकिन आज व्यापारी इतना दुखी है कि इतना GST लग गया है, वो बहुत परेशान है। प्रदेश के नेताओं को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाएंगे? संतुष्ट करेंगे भाई, उनका ना वो पार्टी जो है समाजवादी पार्टी कि मतलब कि सर्व समाज की पार्टी है ना भाई, तो उसमें सर्व समाज के लोग आ रहे हैं और सर्व समाज के लोग अपना अधिकार पा रहे हैं। जैसा कि देखा जाए लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और सभी छोटे और बड़े दल चुनाव को लेकर के तरह तरह के अपने हथकंडे अपना रहे हैं, वहीं पर एक छोटा सा जो नज़ारा प्रयागराज में देखने को मिला। पार सभा के जिला अध्यक्ष कमलेश गुप्ता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो बनिया का अपना मूल बोर्ड मानती थी, कहीं न कहीं परिवर्तन समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती करने से, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और परिवर्तन का दोस्ती होने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इस बात को लेकर के लोग तरह तरह तंज कस रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता जो कि परिवर्तन समाज पार्टी के हैं, कितना किसको पता दिला पाते हैं। और नंदलाल गुप्ता, आज खबर, हंडिया प्रयागराज। प्रदेश की सबसे बड़ी पत्थर मंडी कबरई में 2 सप्ताह पूर्व 3 क्रशर फर्मों से 4 करोड़ की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस सर्विलांस टीम ने नकदी लेकर विदेश जाने की फिराक में बैठे धोखेबाज मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मैनेजर के पास से फर्जी दस्तावेज सहित 1,09,92,000 का चेक भी बरामद कर लिया है। बता दें कि महोबा के पत्थर मंडी कबरई में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरव में रहने वाले बड़े व्यापारी रसमीत सिंह मल्होत्रा ने 11 जनवरी को करीब 4 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का कंपनी के मैनेजर पर आरोप लगाया था। 11 जनवरी को थाना कोतवाली पर एक तहरीर प्राप्त हुई। एक श्री रसमीत मल्होत्रा, ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जिनका यहाँ पे पहाड़ का एक व्यापार है इनका।
एक यहाँ पे पहाड़ है जिस जजेस का इनका पट्टा है, वहां इनके द्वारा ये सूचना दी गई कि जो इनका एक मैनेजर है सचिन नाम का, इसने कुछ दिनों से पैसों का पेमेंट नहीं किया है और बार बार टहला रहा है और अब उसके फोन भी बंद हो गए हैं और कुल मिलाकर के लगभग 4 करोड़ की धनराशि इसने इमारत में खयानत करी हुई है। इस तरह की सूचना प्राप्त होते ही उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, साथ ही इसमें 5 टीमों का गठन किया गया। CDR व सर्वेलेंस के माध्यम से जगह जगह पर इस व्यक्ति का होना पाया गया। विभिन्न जगहों पर कई टीमों को रवाना किया गया, दिल्ली, पानीपत, लखनऊ, यहां तक कि मुंबई तक हमारी टीमें गई और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में लगातार इसमें कार्रवाई चल रही थी और आज जो है सचिन को पकड़ लिया गया है और आज उसको जो है न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अंबेडकर नगर में टांडा तहसील क्षेत्र में NTPC पावर प्लांट द्वारा RCC मार्ग और नाले का निर्माण कर गांव के रास्ते और जल निकासी को बंद किया जा रहा है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने NTPC की मनमानी को लेकर समाज सेवी हरिश्चंद्र वर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर NTPC की मनमानी की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रमुख समाजसेवी हरिश्चंद्र वर्मा ने कहा कि ग्रामीणों का आवागमन में समस्या होगी। ग्राम सभा में रजौर में बाड़खंड में सब कार्यक्रम किया जा रहा है कि बाड़खंड में नाला भी नहीं अवरुद्ध हो गया है, उधर प्लांट विस्तारीकरण के नाते खैरपुर 2 पुलिया ब्लॉक हो गई है, आए दिन बारिश जब होता है तो पूरे गांव में पानी भर जाता है, आदमी घर से बाहर होकर रोड पे आके रहने लगता है। इसके पहले भी हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दिए हैं, उसका भी एप्लीकेशन हमारे पास अभी पड़ा हुआ है और उसके भी वीडियो रिगार्डिंग हमारे पास है। SDM साहब आए थे उस दिन भी आश्वासन दे के चले गए थे, NTPC वाले इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि किसके नाम से टेंडर हुआ इसको मांगा जा रहा है, कोई कागज नहीं देने को तैयार है। बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर बाइक की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। मामले में पीड़ित ने SP से इंसाफ की गुहार लगाई है, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र के गाँव इनायतपुर निवासी युवक की घर में खड़ी बुलेट बाइक को अज्ञात चोर घर में घुस कर चुरा ले गए। बाइक हमारी घर में खड़ी थी, दो गेट खोल के चुरा के ले गए। कैमरे में दिखाई दे रहे फोटो में मस्जिद के। हाँ जी, कह रहे हैं कि हाँ ढूंढ रहे, अभी तक कोई पता ही ना रहे, आज 8 दिन हो गए। हाँ, SP साहब से भी करी, कह रहे थे ना हम कहेंगे उनसे करेंगे। चंदौली में DM ने औरवातांड एवं छानपातपुर दरी का निरीक्षण किया, जहां टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको लेकर DM ने 10 फरवरी अंतिम डेट निर्धारित करते हुए निर्माण कार्यों को मानक सहित तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्य की प्रगति कम होने पर कार्रवाई संस्था को नोटिस देने के निर्देश दिए। इसके अलावा एडवेंचर गेम्स, खेलकूद कैंटीन सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए। हमारे जनपद में मुख्य तौर पर 4 जल प्रताप है, राजदरी, देवदरी, औरवाटांड और छानपात। आज हम लोगों ने छानपातर और औरवाटांड का निरीक्षण किया है। बहुत हर्ष का विषय है कि औरवाटांड में जो टूरिज्म प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं वो आने वाले 10 से 15 दिन में बन के पूर्ण हो जाएगा और जिसका लोकार्पण भी हम लोग आने वाले 15 दिनों में करा लेंगे। हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 885 जोड़ों का विवाह हुआ, जिसमें 60 जोड़ों का निकाह हुआ। निकाह काजी ने पढ़वाया, जबकि विवाह हिंदू रीति रिवाजों के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हुआ। इस आयोजन के मुख्य अतिथि आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल रहे। कार्यक्रम में सदर सांसद, DM, SP व CDO भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ऐसी गरीब बेटियों की शादी बेहद खास हुई, जिनके परिवार के लिए शादी के संसाधन जुटाना पहाड़ तोड़ने जैसा था। वहीं सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति विवाह पर सरकार की तरफ से 51,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से समाज कल्याण विभाग द्वारा सामूहिक विवाह समारोह संपन्न किया हुआ है और इसमें 885 जोड़ों ने भाग लिया और वो दाम्पत्य सूत्र में बंधे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद हरदोई में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कुल 885 जोड़ों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत महोदया और अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें सभी संप्रदायों के कुल 885 जोड़े थे। शादी और विवाह का कार्यक्रम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मथुरा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बीते दिनों ग्राम
बिलंदपुर में एक 3 वर्षीय बालिका की अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला काट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने घटना का खुलासा किया है और मामले में आरोपी को ग्राम भद्रवन मदन होटल के पास से गिरफ्तार किया है। बता दें कि 25 जनवरी को पीड़ित ने अपनी 3 वर्षीय पुत्री की अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला काट कर हत्या कर देने के संबंध में थाना मार्ट पर सूचना दी थी। थाना मार्ट क्षेत्र के बिलंदपुर गांव में दिनांक 25 जनवरी को आफ्टरनून में एक सूचना मिली थी जिसमें 3 साल की बच्ची की 3 साल की मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या किए जाने की बात सामने आई थी। तत्काल घटनास्थल पर मेरे एडिशनल एसपी सीओ और एसएचओ के द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया और इसमें मृतका के पिता की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ। घटना के नावन के लिए हमारी 4 टीमें तत्काल लग गई जिसमें हमारी असूली सर्विलांस की टीमें थाने की टीमें और सर्किल के दूसरे ऑफिसर्स की टीमें लगा दी गई। उन्नाव जनपद में हर साल की तरह इस साल भी श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश उत्सव श्री गुरु सिंह सभा द्वारा 28 से 30 जनवरी तक मनाया जाएगा, जिसको लेकर आज शहर के गुरुद्वारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पंच प्यारों के नेतृत्व में विशाल नगर कीर्तन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गुरुद्वारा साहब से प्रस्थान करेगी, जो कि गुरुद्वारा से बड़ा चौराहा होते हुए IBP चौराहा से गुरुद्वारा वापस आएगी। वही कीर्तन दरबार गुरुद्वारा कमेटी अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ होगा। हमारा उद्देश्य यही है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हम मना रहे हैं, ये समाज के सभी तबकों के लिए उनको लिए एक आमंत्रण भी है ताकि हम सभी बगैर किसी भेदभाव के वो अपने गुरुओं का जो त्यौहार मनाते हैं उसमें वो भी सम्मिलित हों और हमारा ये मान बढ़ाए। हमारी कार्यक्रम का रूट विगत हर साल की तरह गुरुद्वारा शहर से 1 बजे चल के बड़ा चौराहा, फिर छोटा चौराहा, वो के फिर सुंदर टॉकिस से होते हुए छिपियाना चौराहा, दादा मियाँ चौराहा से धवन रोड होके बड़ा चौराहा आती है, फिर बड़े चौराहे से स्टेशन रोड और तेग बहादुर मार्ग होके IBP चौराहा से वापस गुरुद्वारा में 5 बजे ये प्रोग्राम नगर कीर्तन खत्म होता है। ये उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।